हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कंपटीटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों का जैसे ही लगातार आपका सिमुलतला का सेट जो जारी है, तो आज हम आगे आपको दूसरा सेट करवाएंगे। ठीक है, पहला सेट का तो वीडियो कंप्लीट हो गया था, तो हम लोग आज 33 नंबर से बढ़ेंगे। ठीक है, 32 नंबर तक एक सेट में कंप्लीट हो गया था। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 100 नंबर का सेट रहेगा। मैं थोड़ा थोड़ा करके वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं लंबा वीडियो बनाऊंगा तो आपको भी देखने में थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। ठीक है, तो हम लोग छोटा छोटा करके ही वीडियो बनाएंगे। बाकी आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, मैक्सिमम जितना हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे ध्यान दीजिएगा, ये हाथ से लिखा हुआ सेट है। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिलहाल हमें पढ़ने से मतलब है और सेट लगाने से मतलब है। ठीक है, तो 33 नंबर में बढ़ते हैं। कह रहा है ए बेबी डियर, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ए बेबी डियर इज कॉल्ड इज। ठीक है, मतलब जो हिरन जो होता है, हिरन के बच्चे को क्या बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, फॉन। ठीक है, बाकी आपका फॉन होने वाला नहीं है। ठीक है, जितना भी ऑप्शन है बी ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है श्याम इज खालिस्तान बॉय इन आवर क्लास, मतलब श्याम जो है हमारे क्लास का कैसा स्टूडेंट है। तो बहुत तेज स्टूडेंट है। ठीक है, द मोस्ट इंटेलिजेंट, क्योंकि आपको पता होगा कि जो सुपरलेटिव डिग्री होता है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग होता है, दी का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। जो 35 क्वेश्चन है, करा व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब होता कटाई। ठीक है, फसलों की जो कटाई किया जाता है उसी के बारे में पूछ रहा है। तो इसका पर्यायवाची शब्द बताना है 35 नंबर का। तो इसका सही पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा हार्वेस्ट का सिनोनिम्स, वो रीप हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, 36 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 36 है, व्हाट इज द वर्ब ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का वर्ब फॉर्म क्या होगा। तो वर्ब मतलब क्या होता है, कोई एक्शन करना, कोई काम करना। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, हो जाएगा एग्जामिन। ठीक है, मतलब जांच करना। ठीक है, नेक्स्ट। थर्टी सेवन पर आइए। 37 नंबर में क्या कह रहा है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट पर्सन नाउन। फर्स्ट पर्सन में कौन है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, तो आई और वी आता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का है, बी भी फर्स्ट ही पर्सन का है, लेकिन ये सिंगुलर है, तो ये क्या है, ये प्लुरल है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ देता है कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर में क्या होगा और फर्स्ट पर्सन के प्लुरल में क्या होगा। ठीक है, तो आई जो है वो सिंगुलर में है और वी क्या है, प्लुरल में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक तरीका से और भी देख सकते हो, ये तो फर्स्ट पर्सन का हो गया, सेकंड पर्सन में आइएगा तो सेकंड पर्सन में आपका कौन सा हो जाएगा। सेकंड पर्सन में यू होता है, तो यू आपका सिंगुलर नंबर में भी यूज होता है और प्लुरल नंबर में भी इसका यूज होता है, तो दोनों इसमें आ जाता है। ठीक है, बाकी अगर हम थर्ड पर्सन की अगर बात करते हैं, थर्ड पर्सन का, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही सी आता है। ठीक है, ही सी इट एनी वन नेम। ठीक है, कोई भी एक नाम हो गया, एनी वन नेम। ठीक है, एनी वन नेम, तो ये चला जाता है किस में, ये चला जाता है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। ठीक है, अब प्लुरल में क्या हो जाता है, तो प्लुरल में दे होता है। थर्ड पर्सन के प्लुरल नंबर में किसका प्रयोग होता है, दे का। तो ये आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, 38 नंबर। कह रहा व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ड पुट। कह रहा पुट का बताइए पास्ट फॉर्म क्या हो जाता है। पुट का पुट ही होता है, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है व्हिच प्रीफिक्स वुड यू ऐड टू द वर्ड बिहेवियर। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है, बिहेव। ठीक है, मतलब जो बिहेव जो आपका वर्ड दिया हुआ है ना, ठीक है, तो प्रीफिक्स उसमें जोड़ने के लिए कह रहा है। प्रीफिक्स किसको बोलते हैं, प्रीफिक्स उसे बोलते हैं जो किसी वर्ड के पहले लगता है। ठीक है, तो जैसे मान लेते बिहेव है, ठीक है, जैसे बिहेव से बिहेवियर बनता है ना। ठीक है, तो आगे हम लगा देंगे मिस बिहेव, या बोलते हैं मिस बिहेवियर। ठीक है, तो इसका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका 40 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में बताना कि कौन सा यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है। ये तो आपको ऐसे भी पता चल रहा होगा, वाज तो आपका पास्ट में चला जाता है, ये होने वाला नहीं है, ये भी आपका पास्ट में चला जाता है, और ये आपका फ्यूचर में चला जाता है, बाकी आपका बचा कौन, तो आर बचा, तो आर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो ये इंग्लिश कंप्लीट हो गया है, इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हिंदी और इंग्लिश का सॉल्यूशन करवा चुका हूँ, तो उसे आप जाकर देख सकते हो, चैनल पर विजिट कर सकते हो। चलिए अब कुछ जीके का पोर्शन है, जीके के पोर्शन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हल्का हल्का क्वेश्चन दिया है, कह रहा भारत के पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो ये तो प्रतिभा पाटिल हो जाएंगे, ठीक है। आगे कह रहा है ना 42 नंबर में, बाल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, मतलब जो चिल्ड्रन डे होता है, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है, तो ए नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आगे कह रहा है 43 नंबर, ध्यान दीजिएगा, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो गंगा है, ठीक है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, 44 कह रहा खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आपने सरकारी बुक पढ़ा होगा हिंदी का, ठीक है, आपका हिंदी का और एक एसएसटी का, एसएसटी का, मैं एसएसटी का बात कर रहा हूँ हिंदी में, ठीक है, एसएसटी में भी एक चैप्टर पढ़ना है, उसमें इस खेल का चर्चा किया गया, खो खो का चर्चा किया गया है, ठीक है, तो उसमें भी ये बताया गया खो खो में कितना होता है, तो 9 खिलाड़ी होता है, ठीक है, अगर आपने हिंदी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव किनकी उपाधि है, गुरुदेव किनको कहा जाता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में और भी याद रखिएगा कि हमारा जो राष्ट्रीय गान जो है भारत का, जन गण मन, ठीक है, जन गण मन, ठीक है, जन गण मन जो है, ठीक है, तो ये भी किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी आपका RNT रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है। इससे एक और क्वेश्चन पूछता है, राष्ट्रीय गान तो पूछेगा ही, राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो राष्ट्रीय गीत आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा वंदे मातरम, ठीक है, तो वंदे मातरम को लिखने वाले व्यक्ति कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी लिखने वाले हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि वंदे मातरम जो लिया गया किस पुस्तक से लिया गया, तो वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ से लिया गया, किससे लिया गया, आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है, इतना आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखिए 46 नंबर, अपील के लिए भारत का अंतिम न्यायालय कौन है, ठीक है, तो सबसे लास्ट में जो न्यायालय जो है वो है सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते, भारत के झंडे पर कितनी तीलियां होती है, तो भारत के झंडे पर कितना, 24 तीलियां होता है, ठीक है। महाभारत के रचना किसने की, तो ये तो वेद व्यास हो जाएंगे, महाभारत की रचना वेद व्यास, ठीक है, याद रखिएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, अच्छा इसमें एक चीज़ और सुन लीजिए, और सुनिएगा, एक एक सेकेंड थोड़ा सा देखिए, यहाँ जो आपको लिखा हुआ है ना तुलसीदास, द रामचरित मानस, ठीक है, रामचरित मानस किसने लिखा, तो तुलसीदास ने लिखा है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और भी प्रेमचंद के बारे में पूछा जाता है, प्रेमचंद का भी बहुत सारा लिखा हुआ, जैसे दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आपका गोदान जो कि बहुत फेमस है, गोदान, तो गोदान जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, प्रेमचंद के द्वारा भी लिखा गया। गबन, गबन भी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। एक मीराबाई से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीराबाई जो है वो किसकी भक्त थी, तो वो भगवान कृष्ण की भक्ति, ठीक है, भगवान कृष्ण के भक्ति में हमेशा लगी हुई रहती थी, ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हमारे सौर मंडल में वर्तमान में कितने ग्रह हैं, ठीक है, तो इसका तो सही जवाब आप बता भी सकते हो, मैं ऑप्शन अगला आपका पेज में है, ठीक है, ऐसे 8 ग्रह हैं, ठीक है, पहले 9 था लेकिन अब कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। आगे कह रहा है इनमें से कौन सा पदार्थ द्रव नहीं है, मतलब लिक्विड फॉर्म में नहीं है, तो ये तो आपको दिख रहा होगा लकड़ी नहीं हो जाएगा। सबसे बड़ा आगे 51 नंबर में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो आपका कौन सा है, एशिया है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। अच्छा ये क्वेश्चन और याद रखिएगा, अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि रथ की सूरत में बना सूर्य मंदिर कहाँ है, तो सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशील कुमार किस खेल के खिलाड़ी हैं, 53, तो कुश्ती से संबंधित है सुशील कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है, तो पाकिस्तान इसका सही जवाब हो जाएगा, बाकी और सब नहीं है, ठीक है। झारखंड की राजधानी कहाँ है, 55 नंबर, तो झारखंड की राजधानी जो आपका है वो रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान का जहाज़ किसे कहा जाता है, तो रेगिस्तान का जहाज़ जो कहा जाता है वो ऊँट को कहा जाता है। आगे कह रहा है 57 में कि 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ भी देख लीजिए, 58 नंबर, लखनऊ किस नदी के तट पर है, तो लखनऊ जो है आपका है गोमती नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, फिर आगे मैथ का भी सेक्शन है तो मैथ का भी सॉल्यूशन करवाना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है इसमें कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो ये आपको किया जाता है 12, ठीक है। ऐसे टोटल अगर कहिएगा तो इसमें से आपका 12 तो किया ही जाता है, ठीक है। टोटल अगर टोटल पूछेगा तब 12 आप मारिएगा, ठीक है। इसके अलावा 2 एंग्लो इंडियन भी होते हैं, ठीक है, तो 2 एंग्लो इंडियन वो तो लोकसभा में होता है, इसे 12 को वो मनोनीत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कह रहा, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग कुछ मैथ के भी क्वेश्चन को आप कर लेते हैं, यहाँ से आप मैथ स्टार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 किलो, यहाँ पर 61 नंबर, 1 किलो आलू का दाम 5 रुपया है, तो 3 पूर्णांक 1/2 किलोग्राम का मूल्य बताना है कितना। कुछ नहीं करना है, सीधा इसे पहले आप ब्रेक कर लीजिए, तो 3 दूनी 6 1 7, मतलब 7/2 हो जाएगा, और 7/2 को 5 से गुणा कर लीजिएगा, तो ये आप करिएगा तो आ जाएगा 35/2। तो 35/2 कहने का मतलब क्या होता है, 35/2 कहने का मतलब 17.5, मतलब 17.5, तो 17.5 बताइए किस ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सीधा हमको क्या करना है, गुना कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर में कह रहा है 4, 5, 6 का एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम तो आप निकाल सकते हो, ठीक है, इस 60 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 60 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए तो आता ही होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, इसे हल करना है 63 में, तो कुछ करना है नहीं है, पहले इन दोनों को गुणा कर लेना है, तो जब इन दोनों को आप गुणा करिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 1234 में, 1234 को आपको गुणा कर लेना 8 को, तो 8 चौके 32, ठीक है। मतलब पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 9875, ठीक है, माइनस हो गया, यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये लगभग जो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 9872, ठीक है। अब प्लस में 2 लिखा हुआ है, तो पहला अब किसका काम करेंगे, अब जोड़ का काम करेंगे, तो एक ये प्लस में एक ये प्लस में दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो 9877 हो जाएगा, देखिए ना, इन दोनों को जोड़िए पहले, इतना और इतना को जोड़िए, क्योंकि ये प्लस के फॉर्मेट में है, और इसमें घटा देना है कितना, 9872, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को घटाइएगा तो आपका 5 आंसर आएगा, ठीक है, तो बी नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान दीजिए आगे, अरुण की माँ ने उसे 60 रुपये दिए, अरुण ने 3 मैगी पैकेट खरीदे, कितने खरीदे, 3 मैगी पैकेट। अब उसके पास एक 5 रुपया का, ठीक है, 5 रुपया का है, 2 रुपया का भी सिक्का है, और कितना बोल रहा है यहाँ पर, 1 2 रुपया के सिक्के हैं, ठीक है। तो पहले आप देख लीजिए कि कितना उसके पास है,
तो ये 5 2 7 2 9 हो जाएगा। और उसकी माँ ने पहले दिया कितना था, 60 रुपया दिया था, ठीक है। तो आप खुद बताइए उसके पास पहले बचा कितना। तो 60 में 9 को आप घटाइएगा तो 51 बचेगा। तो आपसे पूछ रहा है ना कि एक मैगी पैकेट का दाम कितना होगा। तो देखिए लास्ट में उसके पास कितना बचा, 51, ठीक है। तो हमको एक का निकालना है, तो 3 मैगी पैकेट वो खरीदा है, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो 17 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 17, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जितना वो खर्चा किया उसको आप एक जगह कर लीजिए, तो 9 आया। 60 में 9 घटा लीजिएगा तो 51 आ जाएगा। 51 को 3 से आप डिवाइड कर लीजिएगा क्योंकि एक का निकालने के लिए कह रहा है, तो 17 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ना, एक आयताकार बगीचे का परिमाप दिया हुआ है 76 मीटर। यदि बगीचे की है 65 नंबर, यदि बगीचे की चौड़ाई आपका है 18 मीटर, तो बगीचे का आप क्षेत्रफल निकालो। तो सीधा सीधे पहले आप ये याद रखिएगा कि जो बगीचा जो है वो आयत के जैसा है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। यहाँ पर देखिए पहले से हमें क्या मालूम है, चौड़ाई मालूम है, तो पहले हमको लंबाई मालूम करना पड़ेगा। तो लंबाई मालूम करने के लिए हम लोग क्या करें, लंबाई मालूम करने के लिए देखिए यहाँ पर परिमाप दिया ना है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L + b। आयत का जो परिमाप होता है 2 × L + b, और बराबर कितना लिखेंगे, 76 लिख देंगे, लिख देंगे ना, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, 2 L का तो मान, यहाँ पर L का मान तो निकालना ही है, b के बदले में कितना रखें, क्वेश्चन में दिया हुआ 18 दिया हुआ है, अब बराबर कितना हो जाएगा, 76। यहाँ से कैंसिल कर लीजिएगा तो ये 76 कटेगा कितना बार में, ये 38 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, हमें एल का मान निकालना है, ये प्लस में है ना, प्लस में, ठीक है, ये प्लस में, तो इस साइड जाएगा तो किस में ये चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो आपको क्या करना, 38 - 18 करिएगा, तो 38 - 18 करिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मतलब यहाँ से मेरा क्लियर हो गया, लंबाई 20 निकल गया और चौड़ाई पहले से ही दिया हुआ है, तब तो कुछ करना नहीं है, लंबाई चौड़ाई सब निकल चुका है, ठीक है। अब उसके पास बस क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई ऑलरेडी 20 निकल चुका है, चौड़ाई क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों को गुणा कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपका सिमुलतला में पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे ध्यान दीजिएगा, ये कैसे आपको करना है, जैसे 4 लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद आप गुना 17 दे दीजिए। आप कहिएगा सर अनुपात का मतलब तो बटा होता है, ठीक है, तो हाँ होता है, अनुपात का मतलब बटा होता है, ठीक है, लेकिन आप वैसे करिए चाहे इस तरह से करिए, दोनों का मतलब बराबर ही है, ठीक है। 24 है और उसके बाद अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। अब मालूम नहीं है कि किसका मान निकाला, भाट, तो मान लेते हैं x है उसके जगह पर। तो देखिए जब भी ऐसा प्रकार का हिसाब रहेगा ना, समझ लीजिए ये अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कुछ नहीं करना है, नज़दीक का तुलना नज़दीक से करिए, मतलब 17 × 24 कर लीजिए, ठीक है, और इधर दूर के तुलना दूर से, मैंने कितना है, 4 × x। बस इसे थोड़ा सा आप कैंसिल आउट करिए, आपका आंसर सामने सामने तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 4 से यहाँ पर कैंसिल करिएगा, तो 4 × 6 = 24 और 17 × 6 कितना होता है, 102 होता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 102, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, 3 अंकों की सबसे रोमन संख्या निकालना है, वो भी कि 3 अंक का, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ वो आपको चेक करना है। तो आपको रोमन अंक तो आता ही होगा, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कौन सा, ये गलत लिखा हो गया है, ऐसे नहीं लिखा था, ठीक है। बाकी आपका BCD में ही कोई हो सकता है, तो थोड़ा सा चेक करिएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी रोमन संख्या, पहले आप ध्यान रखिएगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता कौन है, तो कितना होता है, 999। अब 999 को आप रोमन अंक में कैसे लिख सकते हो, ठीक है, 999 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 999 को कैसे करके लिखा जाता है, ठीक है, 900 और प्लस 99 ऐसे करके लिखेंगे, ठीक
ठीक है, तो 900 का कितना होता है, cm होता है, ठीक है। अब देखिए 99, तो 99 को कैसे लिखेंगे, 90 + 9 लिखेंगे, तो 90 का आपको पता होगा एक्स सी होता है, और 9 का भी पता होगा आई एक्स होता है। देख लीजिए ये किस ऑप्शन में है, तो ये आपको सी नंबर में दिखाई देगा, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए जो आपका 68 नंबर है ना, ये आपका नवोदय में भी ऐसा फंसाता है क्वेश्चन, और सिमुलतला में भी रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है इसमें कि एक दिन का कितना प्रतिशत 36 मिनट है। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखिए क्या लिखा है, एक दिन का का मतलब गुना हो गया है ना, कितना परसेंट हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं एक्स परसेंट कितना होना चाहिए, तो 36 मिनट होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए 36 मिनट। अब देखिए ये तो 36 मिनट है, इधर एक दिन है, तो पहले आप एक दिन को आप मिनट में पहले चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटा होता है, ये घंटा में चेंज हो गया, अगर हम इसे 60 से गुना कर देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा। उसके बाद एक्स परसेंट है, तो इसे हम एक्स बटा 100 लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंट का मान नीचे 100 चला जाता है, अब बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, बस हमें एक्स का मान निकालना है। अच्छा आप खुद सोचिए, अगर हमको एक्स का मान निकालना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एक्स का मान निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए ये जो सारा कुछ आपको दिख रहा है ना, ये सारा कुछ जो गुना के फॉर्मेट में है, इस साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा, मतलब इस सबको हम भागा के रूप में रखेंगे ना, 24 × 60 चला जाएगा भागा के रूप में, आगे मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब बाकी जो ये आपका 100 है, ये तो भाग के रूप में है, जब आपका इस साइड जाएगा तो वो गुना के रूप में बन जाएगा, यानी कुछ इस तरह से होगा, मैं आपको दिखाता हूँ करके। देखिए इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, एक्स बराबर 36, अब बाकी 24 × 60 तो चला जाएगा, उस साइड में गुना में था, नीचे भाग में आ जाएगा 24 × 60, और जो 100 था वो भाग में था, इधर आएगा गुना में, ठीक है, परसेंट में निकालने के लिए कह रहा था, इतना परसेंट हो जाएगा, ठीक है। आप इसे कैंसिल कर लिए, 12 + 36, 12 × 24 हो जाएगा, है ना, ठीक है। और कुछ कटता है तो काट लीजिए, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से देखिए 3 × 6 कैंसिल हो गया, तो मतलब सीधा सीधे यहाँ से क्या बच गया, ऊपर में 10 बचा और नीचे में 2 × 4 बच गया, इसे भी कैंसिल कर सकते हो आप, 2 × 5 = 10 है ना, 2 × 4 तो 5/2, कहने का मतलब 2.5, 2.5 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिए 21 ऑप्शन में है, 2.5 सी नंबर, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, ये मान लीजिए एक त्रिभुज है, और त्रिभुज ए है, एबीसी, तो सब कुछ दिया हुआ है, ए आपका दिया हुआ है 30, ये कितना है 30, ठीक है। उसी तरीका से आपका कह रहा है बी सी ए, तो बी ये वाला सी, सी दिया हुआ 75, ठीक है, तो आपको कह रहा है ना, ये सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर ये 30 इसका दिया हुआ, बी का दिया हुआ 30, तो हमें निकालना ए का। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो आपको कुछ करना नहीं, इन दोनों को जोड़िए, 75 और 30 को क्या कर लेना है आपको, जोड़ लेना, तो 75 और 30 जोड़िएगा तो 105 हो जाएगा, तो 180 में 105 घटा लीजिए, तो 180 में 105 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये आपका बच जाएगा कितना 75, ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आगे करवा दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा, वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो रहा, अभी तक एक आध मैथ और मैं बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला मैथ 70 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, 70 नंबर है, ठीक है। कह रहा कुणाल के 5 सब्जेक्ट में औसत मार्क आया है 80.5 आया है, तो उसके द्वारा 5 सब्जेक्ट में कुल कितना मार्क आएगा, ठीक है, मैंने 5 सब्जेक्ट का कुछ करना नहीं है, 80.5, ठीक है, कितना है 80.5, 80.5 को आपको 5 से गुना कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना, 5 × 10, ठीक है।
अब ये भाग गुना भाग करने का आपका काम है, ठीक है। आप गुना भाग करिएगा, कितना आएगा वो बताइएगा, कितना इसका आंसर आता है, ठीक है। ठीक है, आप करके बताइएगा कितना आता है इसका आंसर। मैं आपको बता देता हूँ, 402.25 आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, भाग दीजिएगा ना आप इससे, भाग दीजिएगा तो 402.5 आएगा, ठीक है। बस दोनों को गुणा कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वीडियो इतना दूर तक ही रहने देते हैं, 70 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन हो गया। हम लोगों ने आपको पहले बता दिया था कि 100 क्वेश्चन का सेट चलेगा, ठीक है। आपको लगातार वीडियो मिलते रहेगा, तो चैनल पर आप बने रहिएगा। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊँगा कैसे आप OMR शीट को भर सकते हो, ठीक है, और आपको एग्ज़ाम के आप कम समय में एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हो। बाकी आप पहले से भी तैयारी कर ही रहे हो, ठीक है। तो हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। बाकी अगर कुछ कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, कुछ अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक है। हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।